है कि जे डी बिरला इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता का है, उसका एडमिशन फॉर्म निकल चुका है। तो आप लोग 21-22 जो भी बैच में अभी एडमिशन लेना चाहते हो, अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर BBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, तो आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो उसका फॉर्म निकल चुका है। तो चलिए इस वीडियो में बताता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना और कहाँ से फिलअप करना है। तो जैसे कि आप जे डी बिरला सर्च करोगे तो जो पहला वेबसाइट होगा JDBIKolkata.in, उस पर आपको क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है जे डी बिरला का। ठीक है, जैसे आउट करोगे तो ये चीज़ आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पाओगे एडमिशन फॉर UG कोर्स फॉर एकेडमिक सेक्शन 2021-22 इज़ ओपन। अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो भी बहुत जन वेट कर रहे थे कि कब निकलेगा, तो निकल चुका है। ठीक है, फॉर्म निकल चुका है और अभी फॉर्म फिलअप बताओ। तो इससे पहले एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनका रिजल्ट नहीं निकला है, मान लीजिए जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड का रिजल्ट 22 तारीख को निकलेगा, CBSE का अभी निकलने वाला 31 जुलाई तक के अंदर निकल जाएगा, लेकिन निकलने वाला, लेकिन अभी तक तो निकला नहीं है। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कोई टेंशन ना ले, जब तक कि रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक इसका फॉर्म भी वैलिड रहेगा, मतलब इसका लास्ट डेट नहीं आएगा। आप देख सक यहाँ पर लास्ट डेट नहीं मेंशन है, लास्ट डेट डेफिनेटली अगस्त में ही रहेगा। तो जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं निकलेगा तब तक इसका भी एप्लीकेशन फॉर्म चालू रहेगा। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट में आ जाते हो तो यहाँ पे आप देख सको कि यहाँ पे एडमिशन का ऑप्शन है, तो एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे एडमिशन पे क्लिक करना है तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स को यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आप लोग न्यू कमर्स हो। ठीक है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स करोगे उसके बाद देखो ये सब एक टाइप का फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना, कोर्स अप्लाइड फॉर, तो कौन सा कोर्स आपको करना है। ठीक है, बीकॉम में ये BSc करना है, बीकॉम करना है, क्या कौन सा कोर्स, ये सब में से करना है। ठीक है, मान लीजिए बीकॉम करना है हमको। ठीक है, बीकॉम सेलेक्ट किया, उसके बाद नेम में समथिंग कुछ भी डाल दीजिए, राहुल शाओ समथिंग डाल दिया। यहाँ पे जेंडर में सेलेक्ट करने मीन्स जेंडर में सेलेक्ट करने नहीं देगा, तो क्योंकि ये सिर्फ फीमेल के लिए, तो कुछ भी दे देते हैं, नंदिनी शाओ समथिंग। ये ओनली फॉर गर्ल्स है इसलिए जेंडर सेलेक्ट करने नहीं दिया जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वही है। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2000 दे दीजिए, 1 जनवरी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर NRI स्टूडेंट हो तो पासपोर्ट लगेगा आपको। ठीक है, अगर नहीं हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, नेशनलिटी आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा, क्या है आप इंडियन हो, ऑब्वियसली सब इंडियन होंगे, कुछ कुछ होंगे तो वो लोग अपना नेशनलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लो। कैटेगरी जनरल हो तो जनरल, SC ST हो तो, या फिर OBC, तो हम तो जनरल है तो जनरल पे सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन कुछ भी दे दो, जी कोलकाता तो लोकेशन समथिंग टू टू जी सेवन रूट समथिंग दे दिया, कोलकाता ठीक है। होम टाउन एड्रेस भी समझो यही दे दिए, गणेश घोष लेन। ठीक है, सिटी कोलकाता दे दिया, स्टेट दे दिए वेस्ट बंगाल, पिन नंबर 7,39,000 दे दिए, फ़ोन नंबर दे देते हैं कुछ और 8282 ऐसा कुछ फ़ोन नंबर दे दिया। ठीक है, ईमेल दे दो, JD बिरला समथिंग, जो भी आपका ईमेल है वही आपको देना है। ठीक है, फॉर्म फिलअप, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ, अगर आपको कोई सीरियस इलनेस है तो उसका हिस्ट्री आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं है तो नहीं। मार्शल स्टेटस सिंगल सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर मैरिड होगा तभी स्पाइस करना है, स्पाइस का। ठीक है, स्पाइस मतलब जीवन साथी होता है, लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ऑब्वियसली 99% सिंगल होते हैं, सब अनमैरिड ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करते हैं फादर्स नेम। फादर्स नेम मान लीजिए फादर्स नेम में तो कोई ये नहीं है, राहुल शर्मा समथिंग दे दिया, एड्रेस सेम रखते हैं, चलिए फ़ोन नंबर 1234। ठीक है, फ़ोन नंबर ये दे दिए, ईमेल कुछ भी दे दिए। ठीक है,
अगर ये कर दिए क्वालिफिकेशन, अगर फादर का क्वालिफिकेशन है तो दे दो। मान लीजिए मेरे फादर का है 10th, टेंथ पास समथिंग, ये लिख दिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑक्यूपेशन बिजनेस बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी करते हैं वो लिख दीजिए, कौन सा कंपनी में करते हैं वो लिख दीजिए, कंपनी नहीं है नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो वो लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है। मदर्स नेम, रानी समथिंग, रानी साहू, एड्रेस सेम रखो। मदर नेम ये समथिंग, ईमेल नहीं है तो मत दीजिए। क्वालिफिकेशन 10th पास, ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ, जिसकी हाउस जिसकी मदर हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ कर सकते हो, जिसकी मदर काम करती है तो काम कोई भी काम करती हो वो ऑक्यूपेशन लिख देना, बिजनेस या फिर नौकरी तो वो लिख देना। ठीक है। लोकल गार्जियन, मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट से आया है यहाँ पर पढ़ने, तो लोकल गार्जियन मीन्स कि अगर लोकल गार्जियन नहीं है, मीन्स कि अगर आप होता है ना कि इस आपके मतलब कहीं और से आए हो, यहाँ पे कोई अंकल आंटी रहते तो वहाँ पे आप रह रहे हो, पढ़ाई वहाँ से कर रहे हो, तो आप लोकल गार्जियन उनका नाम दो। ठीक है। राहुल साव समथिंग, ठीक है। ऑक्यूपेशन जो है कुछ भी, जो ऑक्यूपेशन है, जो क्या काम करते हैं वो देना है आपको। ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, अंकल है तो अंकल दे दीजिए। ठीक है। और उनका एड्रेस जो ये सेम एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको जहाँ का एड्रेस है वही एड्रेस देना है। ठीक है, चेंज नहीं करना। उसके गेस्ट हाउस इंचार्ज नेम, अगर आप गेस्ट हाउस में रह रहे हो तो उसका इंचार्ज कौन है, उसका इंचार्ज का नाम लिखना है। कोई भी अगर गेस्ट हाउस में आप रह रहे हो, पीजी में रह रहे हो, उसका अगर इंचार्ज कोई है तो उसका इंचार्ज का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, उसका फ़ोन नंबर लिखना है। ठीक है। तो कुछ भी, आकाश शाओ, उसका एड्रेस कुछ भी दे दो, 34 AJC बोस रोड, मोबाइल नंबर ये। ठीक है। ऐसे आपको फिलअप करना है ये सारा प्रोसेस, ये फिलअप जो भी है। अगर कुछ कन्फ्यूजन, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ क्लियरली बता दिया हूँ, फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर इतना चीज़ बोला गया है कि ये सारा चीज़ फिलअप करना है, मतलब आपको हर एक चीज़ फिलअप करना है। ठीक है। तो चेक करते हैं क्या क्या कुछ मिसिंग है या नहीं। अगर नेक्स्ट किया जा रहा है तो आपको पासपोर्ट नंबर, तो आप नेम सेलेक्ट कर लिए, पासपोर्ट, पासपोर्ट फॉर NRI, ठीक है, पासपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है। आप ये सब कर दियो, लैंडलाइन नंबर है तो दो, वरना नहीं है तो मत दो। ठीक है। ईमेल दे चुके हैं, हिस्ट्री ऑफ सीरियस सीरियस इलनेस में कुछ नहीं है तो नो लिख दो। ठीक है। सिंगल हो तो सिंगल, ठीक है। स्पाउस, फादर्स नेम लिख दिए, फादर्स का लैंडलाइन नहीं है। ठीक है। बिजनेस है, बिजनेस का नाम मान लीजिए कुछ भी, बिजनेस का कोई भी कम बिजनेस होता है तो नाम तो होता ही ना, मान लीजिए शाओ एंटरप्राइज। और जहाँ पे बिजनेस करते हैं वो दुकान वकान है या फिर जो भी है, एड्रेस दे दीजिए, 34 AJC बोस रोड। ठीक है। और ऑफिस में सेम ही फ़ोन नंबर आता है तो सेम ही दे दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, सेम दे सकते हो क्योंकि ऑफिस सेम है तो। ठीक है। ईमेल आईडी देना ज़रूरी है तो आप कोई भी ईमेल दे दो, नॉर्मली मम्मी लोग ईमेल नहीं रखती है, अगर किसी के मम्मी हाउसवाइफ है तो नहीं रखती है, तो नॉर्मल यही सब करना है आपको, जो भी ईमेल आपका नॉर्मली बना देना है मम्मी लोग के नाम पे वही डाल देना है। ठीक है। और ये सब हो गया, अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो कुछ नहीं लिखना है, कंपनी नेम नो लिख दो, यहाँ पे अभी नो लिख दो। ठीक है। ऑफिस नहीं है, ऑफिस फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको चाहिए मदर का ये फादर लैंडलाइन नंबर, सबका लैंडलाइन नंबर चाहिए। ठीक है। लैंडलाइन नंबर अगर नहीं है तो वहाँ सिंपली आप नो लिख दो। ठीक है। कहाँ गया, लैंडलाइन नंबर में 00 समथिंग लिख दो। जब नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते, अगर कंपनी
कंपलसरी मांग रहा है तो आपको वही करना होगा, बाद में आपको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली बहुत जन के पास नहीं रहता है, ठीक है। सेम लिख दो, ऑफिस मतलब घर का ही नंबर लिख दिया करो। ठीक है, मदर का अगर लैंडलाइन नंबर देखा जाए तो क्या लैंड, एक सेकेंड, मदर का लैंडलाइन नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मतलब मत दो या नहीं। इसमें कंपलसरी मांग रहा है तो आपको कंपलसरी देना पड़ेगा, तो कुछ भी 00 दे दो, बाद में आपको बोलना पड़ेगा कि नंबर नहीं है अपना खुद का नंबर, क्योंकि लैंडलाइन सबके घर में ज़रूरी नहीं कि होता है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ भरना है, ठीक है। तो जिसमें आपका जिसका इन्फॉर्मेशन है उसमें एन लिख देना, नॉट अवेलेबल, ऐसे कुछ नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, आप NRI हो नहीं, आपका पासवर्ड है नहीं तो क्यों दोगे, ठीक है। आप सिंगल हो तो स्पाउस नेम आया ही नहीं, स्पाउस नेम, ठीक है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है, ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट अब आ गया, ठीक है। अब क्लास 10 का ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है, तो 2016 नॉर्मली यहीं पे पास होता है बहुत जन, स्कूल कुछ भी लिख दो, नेशनल, जो टेंथ में जो स्कूल से पास हुए वही लिखना है आपको। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हर एक चीज़ फिलअप करना है। बोर्ड मान लीजिए WBBSE वेस्ट बंगाल बोर्ड है, स्टेट वेस्ट बंगाल, सिटी कोलकाता या जो दूसरी सिटी से हो, फुल मार्क्स 605, मान लीजिए 700 का मार्क्स होता है आपका 605 कुछ आया समथिंग, तो वो लिख दीजिए आप, ठीक है, जो मार्क्स आया वो एक्चुअली आपको लिखना है, ठीक है। क्लास टू सेम कॉलेज, सेम मतलब सेम स्कूल है तो सेम स्कूल का नाम लिखिए, अलग स्कूल है तो अलग स्कूल का नाम लिखिए, नेशनल हाई स्कूल समथिंग, ये फॉर एग्जांपल जस्ट है, आप इसी के बेसिस पे सब कुछ आपको भरना है। वेस्ट बंगाल टैब बोर्ड आपको WBCHSE, ये वेस्ट बंगाल बोर्ड, अगर आप CBSE से हो तो CBSE लिखिए, ISC से हो तो ISC लिखिए, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग 2018, या बहुत जन अभी 2021 में पास हुए हैं 12th, तो 2021 लिखिए, और मैं यहाँ पे इसको 10th को यहाँ पे कर देता हूँ 2019, ताकि आप लोग के हिसाब से सही रहेगा 2019-2021, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन आपको कितना टोटल मार्क्स मिला है, मान लीजिए 440 मिला 500 में, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में मार्क्स जोड़ा जाता है, और ये फुल मार्क्स है 500, ठीक है, ये मिला, ठीक है। सब्जेक्ट नेम इंग्लिश, इंग्लिश का, इंग्लिश आपका कंपलसरी यहाँ पे है, ठीक है, इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश का फुल मार्क्स कितना है 100 है, और इंग्लिश आपको मिला कितना है वो देखना ज़रूरी है, मान लीजिए 80 मिला तो 80 लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है। और परसेंटेज कितना है तो 80% है, ठीक है। सब्जेक्ट नेम टू, उसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गया कि इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम टू। इसके बाद आपका कितना सब्जेक्ट ले रहा है ये लोग, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर एंड सब्जेक्ट फाइव, सब्जेक्ट फाइव ले रहा है, मतलब एक जो इंग्लिश कंपलसरी किया, मान लीजिए उसके बाद अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से तो अकाउंट है, तो सेकेंड अकाउंटेंसी, फुल मार्क्स 100 है ऑब्वियसली, मार्क्स ऑफ 10 बोले 90, परसेंटेज भी 90 आया मतलब, ठीक है। सब्जेक्ट नेम थ्री आप दे सकते हो इकोनॉमिक्स, अरे जो आपका है वही देना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन, जिसमें एक में सबसे कम आएगा उसको मत देना, ठीक है, अगर वो इंग्लिश ही है तो तब तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद इंग्लिश दे दी, उसके बाद बाकी पाँच में से जिसमें सबसे बेस्ट चार आया उसी को देना। इकोनॉमिक्स फुल मार्क्स 100, मार्क्स ऑफ 10 जितना हुआ वही आपको देना है, परसेंटेज जो भी आया वही देना, मतलब 100 में जितना आया था, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप किसी किसी का रहता है कॉस्ट एंड टैक्स रहता है, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन रहता है टैप, ठीक है। अगर उसके बाद लास्ट भोजन के बाद बिजनेस स्टडीज भी रहता है, या फिर जो आपका रहता है वही देना है, बेस्ट ऑफ फोर का मार्क्स ही देना है, ठीक है। आप ये मत समझिएगा जो सब्जेक्ट देंगे उसी का ऊपर ये बेस है, वैसा नहीं, जिसका जिसमें बेस्ट आपका मार्क्स आएगा वही आपको देना है, बट यहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी, तो इंग्लिश का मार्क्स आपको कंपलसरी यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है, जो भी मार्क्स आता है वहाँ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बैठा लिए, ठीक है,
ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ में ज़रूरी नहीं है उतना, ठीक है। तो आपको यहाँ सबमिट में क्लिक करना है, ठीक है, इफ़ एनी बोला है, ठीक है। तो योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है, थैंक यू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड मिल जाएगा, क्या है ये, मेरा यूज़र नेम ये है मेरा, और मेरा पासवर्ड ये है, ठीक है। अब हम अप्लाई किए हैं 3 ईयर बीकॉम कॉमर्स में, और बोल रहा है 1500 रुपया ये करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, ताकि आपका मेंबरशिप अलाउमेंस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, जैसे कि मैं बताया हर एक का एडमिशन प्रोसेस में ये होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट मान लीजिए मैं पेमेंट में क्लिक किए, इसलिए आप लगभग 1500 वैल्यू है, मतलब ये है टोटल अमाउंट 1500 दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको कार्ड नंबर डाल के मेक पेमेंट करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट फॉर्म फिलअप प्रोसेस आपको पता चल गया, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो चीज़ नहीं पत जो चीज़ आपका एक्चुअल में नहीं है उसको नॉट अवेलेबल लिख देना, क्योंकि जो है नहीं, स्पाउस है नहीं, मैरिड नहीं है, लेकिन कंपलसरी मांग रहा है, तो आपको नॉट अवेलेबल लिखना है। बाकी सब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ क्लियर हो चुका है, हर एक चीज़ तो डिटेल्स में बता ही दिया, और लास्ट में जो था उस पहले वाले फॉर्म में इफ़ एनी, तो उसमें आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। ज़रूरी है तभी करना, नहीं करना। ऑलमोस्ट हर एक क्लियर हो गया, इसी तरह हर एक कॉलेज का फॉर्म आएगा तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो थैंक यू सो मच, अगर कुछ प्रॉब्लम हो डेफिनेटली कमेंट बताइए। सो थैंक यू सो मच।